Hello everyone. In my previous video, I have completed the topic photosynthesis and light reaction. Now the second part of the photosynthesis is the dark reaction. And as we know that this is roughly a sketch of the chloroplast, partially prepared. आधा बना के ऐसे रखा हुआ है हमने, तो क्लोरोप्लास्ट की बाउंड्री लाइन हो गई एंड दिस इज वन थायलाकॉइड. इट इज ऑलरेडी रिटन ओवर हियर. व्हाई आई हैव रिटन, बिकॉज इन दिस थायलाकॉइड वी हैव क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. दीज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कैन ट्रैप सनलाइट एंड हियर द प्रोसेस इज लाइट रिएक्शन. एंड एज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट इन दिस लाइट रिएक्शन, जो लाइट रिएक्शन इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रही है, इस सनलाइट के ट्रैप होने के बाद देयर इज द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, पानी का ब्रेक डाउन करना है. जो ऑक्सीजन है वो बाहर एनवायरमेंट में डिफ्यूज हो जाएगी, क्लोरोप्लास्ट से बाहर और फिर मेसोफिल सेल्स से बाहर. और इसमें से जो रिलीज होने वाला हाइड्रोजन है दैट इज एच प्लस, और उससे इससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन था ई माइनस, इन दोनों से हमने बनाया था एक एनर्जी रिच कंपाउंड दैट इज एन ए डी पी एच डॉट एच प्लस. हाइड्रोजन हम यहाँ से लेकर आए थे वाटर से. अगला, इसी थायलाकॉइड के अंदर हमने एक और प्रोडक्ट बनाया था जिसमें एटीपी बना था, जिसको फोटोफॉस्फोराइडेशन वर्ड यूज कर रहे थे. अब हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन की. ये हमने समरी ले ली पूरी लाइट रिएक्शन की. अब हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन. थोड़ा सा नोटिस करेंगे, इस रिएक्शन को सबसे पहले मेल्विन केल्विन एंड एंडी बेंसन ने डिस्कवर किया था. सो यहां हमने डिस्कवरर के नाम लिख लिए हैं. क्यों हम डिस्कस करें, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द नेम दिस साइकिल इज टू बी टर्म्ड एज केल्विन साइकिल. केल्विन साइकिल रन्स इनटू द फ्लूइड पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये जो फ्लूइड पार्ट है इट कंटेन्स सो मेनी एंजाइम्स. इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स केल्विन साइकिल को रन करते हैं. जब हम कोई वर्ड यूज करते हैं साइकिल, इसका मतलब ये होता है कि हम जहां से स्टार्ट करेंगे हम ले जाकर उस साइकिल को वहीं खत्म कर देंगे. इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एनवायरमेंट से जो CO2 जो स्टोमेटा से आई है, अंदर आई है, वो CO2 का हम एसिमिलेशन करेंगे. तो इस CO2 को सबसे पहले जो एक्सेप्ट करेगी एसिमिलेशन के लिए, उस कंपाउंड का नाम है RUBP. इसका नाम है रिब्युलोज बिस्फॉस्फेट. ये पांच कार्बन का कंपाउंड होता है. पांच कार्बन मींस ऐसे 5C और एक कार्बन आपको यहां दिख रहा है. वाइल्ड साइकिल द फर्स्ट कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड इन दिस साइकिल, पहला कंपाउंड जो स्टेबल होकर बनता है इस साइकिल के नाम यहां पर, तो उसको हम बोलते हैं PGA, जिसका पूरा नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. इसके आगे 3 के बाद कॉमा लगा लेते हैं, जिसका मतलब होता है हम फॉस्फेट की पोजिशन बता रहे हैं. 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी कार्बन के तीसरे कार्बन पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है. जब ये पूरी साइकिल रन कर लेती है, नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू द होल साइकिल क्योंकि 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब ये पूरी साइकिल रन करती है तो साइकिल के बीच में ही हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज. ये बन गया ग्लूकोज. फॉर्मूला है C6H12O6. अब जरा ध्यान से नोटिस करिए, देखिए कार्बन हमारे पास ऑलरेडी था CO2 के फॉर्म में, ये लगा हुआ, और ये जो हाइड्रोजन ले रहे हैं आप, उस हाइड्रोजन को हम यहां से लेते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि NADP इसको अपना हाइड्रोजन दे देता है. जब ये साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो ये NADPH.H वापस से NADP में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फिर से वो क्लोरोफिल के पास यानी थैलाकोइड के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाएगा. वही ATP अपनी एनर्जी देते हैं इस साइकिल को, और जब ATP से एनर्जी मिलेगी तो बॉन्ड टूटेगा, और जब बॉन्ड टूटेगा तो एक फॉस्फेट अलग हो जाएगा, यानी उस फॉस्फेट को हम कहेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अलग हो गया. प्लस हम वर्ड यूज करेंगे ADP, यानी कुल मिला के साइकिल जो है इस तरीके से रन करती है कि केल्विन साइकिल के अंदर कंपाउंड्स को बनाने के लिए हमें एनर्जी यहां से मिलती है. CO2 का हम रिडक्शन कर रहे हैं, यानी हम इसको ग्लूकोज के फॉर्म में हाइड्रोजन यहां ऐड कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन हमें यहां से मिलेगा. केल्विन साइकिल चलते समय
CO2 को एक्सेप्ट करने का काम RuBP का है। यहाँ हमें एक एंजाइम चाहिए जिसको हम रोबिस्को कहते हैं। पहला जो कंपाउंड बनेगा इस साइकिल के दौरान उसका नाम है 3PGE। अब आपके एग्जाम में इन स्टेप्स से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड दिस डिस्कवरर, डिस्कवरर के नाम। सेकेंड, इस फेज को जैसा कि ऊपर लिखा था कि लाइट इंडिपेंडेंट फेज भी कहते हैं, तो इसको हम लोग बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। बायोसिंथेटिक फेज का मतलब होता है कि यहां हम ग्लूकोज की सिंथेसिस कर रहे हैं। अब RuBP का फुल फॉर्म पूछते हैं, वो पूछते हैं कि नेम द कंपाउंड हु एक्सेप्ट्स द कार्बन डाइऑक्साइड इन द केल्विन साइकिल। तो आपको RuBP का पूरा नाम लिखना है और वो नाम है रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट। आपको ऐसे ही लिखना है, कुछ पुराने बुक्स में बाईफॉस्फेट और उससे भी पुराने बुक में डाईफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है, बट यू विल राइट रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट। अब अगर ये रिएक्शन लिख ली जाए, कंप्लीट रिएक्शन, तो इस कंप्लीट रिएक्शन को जब आप लिखते हो तो आपको लिखना है CO2 प्लस आप लिख रहे हो RuBP, और जो यहाँ पे हम कैटलिस्ट लगाएंगे यानी जो एंजाइम लगाएंगे उसका नाम है RuBisCO, रोबिस्को पूरा नाम लिखेंगे RuBisCO, रिबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्साइलेज। थोड़ा सा नोटिस करें, देखिए एज लगा है, एज ये इंडिकेट करता है कि ये एक एंजाइम है, और कार्बोक्साइलेज का मतलब होता है कि हम इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए हमने वर्ड यूज किया कार्बोक्साइलेज, एंजाइम का नाम भी हो गया। जो इस काम को कर रहा है वो इसका प्रिफिक्स है, देखिए रिबुलोज बिसफॉस्फेट, तो रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्साइलेज एक ऐसा एंजाइम जो CO2 को RuBP में ऐड करके पहला स्टेबल कंपाउंड PGA बना रहा है, जिसके आगे हमने 3 लगा के डॉट लगाया था। तो अब नेक्स्ट हम ये बताएंगे कि हम इस थ्री पीजीए क्यों लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन वो ये पूछते हैं कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा बना इस केल्विन साइकिल में। तो आपने लिखा था 3 डॉट कॉमा लगाया है PGA, तो कैसे लिखेंगे इसको, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दिस इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, जब इस साइकिल के चलते समय हमें ग्लूकोज मिल जाता है, राइट, यानी C6H12O6, तो अल्टीमेटली ये ग्लूकोज ग्लूकोज के फॉर्म में बहुत टाइम तक मेसोफिल सेल्स में नहीं रहता और ये कन्वर्ट हो जाता स्टार्च में। इस ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, दैट मीन एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज व्हेन कंबाइंड टू मेक द स्टार्च, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस का नाम है पॉलीमराइजेशन, यानी बार बार स्टार्च बनने के प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है, बोलेंगे कि ग्लूकोज बार बार ऐड करके स्टार्च बनाते हैं, दिस प्रोसेस टू बी टर्म्ड एज व्हाट, तो आपका आंसर हो गया पॉलीमराइजेशन, और द टर्म विल बी देयर एंड यू हैव टू मेंशन दैट इन व्हाट वे इट इज द प्रोसेस इज रनिंग। फिर आप डिफाइन करोगे कि व्हेन सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आर कंबाइंड टू मेक वन मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च इट इज टर्म्ड एज पॉलीमराइजेशन। सो फॉर योर क्विक रिवीजन, द प्लेस ऑफ द डार्क रिएक्शन दैट इज स्ट्रोमा, द कंपाउंड विच इज द एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रोबिस्को इज द एंजाइम एंड रिबुलोज बिसफॉस्फेट इज शुगर, एंड द लास्ट वन दैट इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। थैंक यू सो मच।